उस गेम के अंदर चले जाओ जिससे आप रोज खेलते हो। यही हालत क्रीतो के साथ होता है, जहां एक दिन जब एक नया वीआर गेम रिलीज होने निकलता है जिसके लिए बहुत सारे गेमर्स बहुत ही एक्साइटेड होते हैं, तो क्रीतो एज ए गेमर पीछे नहीं रहता और उसे खरीद के उसे अपने दिमाग में एक हेलमेट के थ्रू कनेक्ट कर लेता है। कनेक्ट करते ही वो गेम के अंदर चला जाता है जिसका वर्ल्ड वाकई में काफी बड़ा है मिल जाता है। कुछ दिनों बाद एक गिल्ड चेयरअप करने लगता है जहाँ क्रीतो भी होता है, जो उन्हें किसी मॉन्स्टर से बचाया होता है। तो एक आके उससे उसके लेवल पूछता है तो वो कहता है 20, लेकिन उसका लेवल 40 होता है। तो ये सुन के वो कहता है कि वो लेवल 20 होने के बाद भी एक सोलो प्लेयर है। तो वो कहता है कि वो बस छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को मार के लेवल अप की है। फिर वो सभी उसे शुक्रिया कहते हैं और यहाँ एक सासी नाम की लड़की होती है जो लड़ाई में फ्रंट में होती है, लेकिन वो इतनी कॉन्फिडेंट नहीं है। तो अगर वो उनके साथ ज्वाइन हो जाए तो वो उसे कुछ टिप्स दे सकता है। फिर वो कहते हैं कि वो सभी असल में एक ही स्कूल में जाते थे, तो इसीलिए वो लोग एक साथ हैं। जिसके बाद क्रीतो उनके साथ ज्वाइन होने के लिए मान जाता है और फिर वो सभी कुछ मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं। इन सब के बाद केइता एक न्यूज़पेपर में देख के उसे असॉल्ट टीम के बारे में पूछता है कि उन टीम के पास क्या है जो उनके पास नहीं है। तब वो कहता है इन्फॉर्मेशन, जहाँ वो लोग आसानी से EXP कमा सकते हैं। तब केइता कहता है कि उसे लगता है कि ये विल पावर पे मैटर करता है, क्योंकि किसी के साथ रहने के लिए विल पावर की जरूरत होता है और उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है एक दूसरे का ख्याल रखना, और जब एक दिन वो लोग थोड़े स्ट्रांग बन जाएंगे तब वो लोग एक बड़े टीम को ज्वाइन कर लेंगे। फिर वो सभी मजे करने लगते हैं, तो उन्हें देख के क्रीतो सोचने लगता है कि उसे पता है कि अगर वो लोग ऐसे ही लेवल अप करते रहे तो वो लोग अपने गोल तक जरूर पहुंचेंगे। फिर रात को केइता अनाउंस करता है कि उन्हें 20,000 कोल्स मिला है, तो उन्हें बेस के वो लोग सासी के इक्विपमेंट को अपग्रेड करने के बारे में डिसाइड करते हैं, लेकिन सासी इसके लिए मना करने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग नहीं मानते। तो वो लोग कहते हैं कि वो लोग हमेशा क्रीतो को फ्रंट में नहीं डाल सकते। तब क्रीतो कहता है कोई बात नहीं। फिर रात में ही वो बाहर निकल जाता है, जहाँ जाके वो क्लेन को देखता है जो किसी मॉन्स्टर को हंट कर रहा होता है, लेकिन वो उससे ज्यादा बात नहीं करता और वहां से चला जाता है। फिर जब वो वापस आता है तब उसे मैसेज मिलता है कि सासी रूम में नहीं है, तो अगर वो उन्हें मिले तो इन्फॉर्म कर देना। ये देख के क्रीतो उसे ढूंढने लगता है, जहाँ वो उसे बहुत ही जल्द ढूंढ लेता है और उसके पास आके कहता है कि सभी उसके बारे में फिक्र कर रहे हैं। फिर वो उसके पास आके बैठ जाता है। तब वो कहते हैं कि क्यों ना वो दोनों यहाँ से कहीं भाग जाए। ये सुनके उसे कुछ भी समझ नहीं आता, तो वो कहती है कि वो यहाँ से भाग जानी चाहती है, इस टाउन से, अपनी टीम से और इस गेम से। ये सुनके वो सोचता है कि शायद वो सुसाइड के बारे में सोच रही होगी, तो वो कहती है नहीं। फिर वो पूछती है कि इन सब से गुजरने का क्या फायदा है, वो यहाँ मरने से बहुत ही डरती है और इसी वजह से वो सो ही नहीं पा रही। तब क्रीतो कहता है कि वो नहीं मरने वाली। तो वो पूछता है कि वो ये कैसे कह सकता है, तो तब वो जवाब देता है कि उनकी टीम काफी स्ट्रांग है और उनका फर्स्ट कमांडमैन है सेफ्टी, तो उसे यकीन है कि वो नहीं मरने वाली, वो मान जाती है। फिर जब वो दोनों वापस आके क्रीतो सोने निकलता है, तभी दरवाजा बजता है और वहां से सासी आती है और कहती है कि उसे नींद नहीं आ रही, तो वो उसके साथ सोने के बारे में कहती है। वेल, ये थोड़ा वियर्ड है, और तब वो मान जाता है ऑफ कोर्स। और जब वो दोनों सो जाते हैं तब क्रीतो सोचने लगता है कि अगर वो उनके साथ रहा तो वो उसे प्रोटेक्ट कर सकता है। अगले दिन केइता टाउन ऑफ बिगिनिंग में कोयल को बेचने चला जाता है। उसके जाने के बाद वो सभी ऊपर वाले फ्लोर में जाने के बारे में कहने लगते हैं, लेकिन क्रीतो उन्हें मना करता है, बट वो सभी इसके लिए जोर देने लगते हैं, तो वो मान जाता है। उसके बाद वो सभी वहां चले जाते हैं, तभी उन्हें एक वॉल में एक गेट मिलता है जहां एक ट्रेजर बॉक्स होता है। उसे देखते ही वो लोग उसे खोलने अंदर चले जाते हैं, जहां क्रीतो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, बट वो लेट हो जाता है और तभी गेट बंद होकर वो लोग अंदर फंस जाते हैं और वही बहुत सारे मिनियंस निकल आते हैं। और जब वो लोग टेलीपोर्ट क्रिस्टल को यूज करने का ट्राई करता है तब वो काम ही नहीं करता, और तभी वो सभी उन पे हमला कर देते हैं और वो सभी उनसे नहीं लड़ पाते और एक एक करके मरने लगते हैं। इसे देख के क्रीतो गुस्सा होकर उन सभी को मारने लगता है और यहाँ लास्ट में सिर्फ सासी ही रह जाती है, जिसे बचाने जाता है, बट तभी उसे पीछे से हमला कर देता है और वो कुछ कह के वही मारी जाती है। फिर क्रिसमस के दिन क्रीतो को एक एजेंट इन्फॉर्मेशन देने लगती है कि आज एक बॉस निकलने वाला है जिसे सभी ढूंढ रहे हैं। ये सुनते ही वो वहां से निकल जाता है। फिर वो रूम में जाके सोचने लगता है कि यहाँ वो उसे वापस नहीं ला सकता जो मर गया है, लेकिन एक र्यूमर है कि वहां एक बॉस निकलता है जो एक आइटम ड्रॉप करता है जिसे मरे
हुए प्लेयर को वापस ला सकते हैं। तो वो वहां अकेले जाने के बारे में सोचता है। फिर हम उस सीन को देखते हैं जब ये बात किरीतो केइता को उनकी टीम के बारे में बताता है और तब ये सुन के वो वही ऊपर से ही कूद जाता है। फिर वो उस बॉस को मारने निकल जाता है लेकिन रास्ते में ही उसे क्लीन मिलता है जो उसे फॉलो करके यहाँ आया है। तो वो उसके मदद करने के बारे में कहता है और उनके साथ ज्वाइन करने के बारे में पूछता है लेकिन वो उसके लिए नहीं मानता। बट क्लीन उसे समझाते रहता है और तभी वहां पे और भी लोग आ जाते हैं जो क्लीन की टीम को फॉलो करके यहाँ आए हैं और वो लोग किसी रेयर आइटम को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो तब क्लीन किरीतो को वहां से जाने कहता है और वो लोग उसे संभाल लेंगे। तो वो वहां से निकल जाता है और थोड़ी आगे जाने के बाद उसके आगे एक सेंटा क्लॉस का मॉन्स्टर आ जाता है जिससे वो लड़ने लगता है। फिर यहाँ क्लीन की आर्मी उस आर्मी को हरा देते हैं जिसके बाद वहां किरीतो उसको मार के वापस आ जाता है जहाँ वो बहुत ही डिसअपॉइंट दिखता है। तभी वो उसे वो आइटम दे देता है जहाँ वो देखता है कि ये आइटम सिर्फ 10 सेकंड के अंदर मरने वाले प्लेयर को ही वापस ला सकता है। तो वो उसे यूज करने दे के जाने निकलता है तब क्लीन उसे रोक के कहता है कि जिंदा रहना ठीक है। इसके बाद वो वहां से वापस अपने रूम में आ जाता है और तभी उसे एक मैसेज मिलता है जिसे क्लिक करते ही उसे एक डिवाइस मिलता है जिसमें से सासी की आवाज आती है जहां वो कहती है कि अगर वो इसे सुन रहा होगा तो शायद वो अब जिंदा नहीं रही होगी। उस रात उसने उसे थून के कहा था कि वो नहीं मरने वाली लेकिन वो मर गई तो क्या होगा। और उसे पता है कि वो खुद को दोष देगा और उसे ये भी पता है कि वो बहुत ही पावरफुल है क्योंकि उसने उसे देख ली थी। उसे नहीं पता कि उसने क्यों उनसे छुपाया लेकिन वो इसके बारे में बुरा फील नहीं करती और उसे कहती है कि उसके मरने के बाद वो खुद को दोष ना दे और यहाँ जिंदा रहे। और क्योंकि उसके पास और भी टाइम है तो वो उसके लिए गाना गाती है और फिर कहती है कि क्योंकि उसे उसके साथ रहने का मौका मिला तो इसके लिए शुक्रिया। और यहीं पे वो रिकॉर्डिंग खत्म हो जाता है। कुछ दिन बाद सभी पावरफुल प्लेयर्स मिलके मीटिंग कर रहे होते हैं जहां असुना मेन बॉस को मारने की प्लान करती है लेकिन किरीतो उसकी प्लान को सपोर्ट नहीं करता क्योंकि वहां बहुत सारे एनपीसीज मारे जाएंगे लेकिन वो सभी रियल प्लेयर्स नहीं है तो वो उसकी बात नहीं मानती और वो वही करेगी क्योंकि अब वो बहुत ही ज्यादा बड़े गिल की सेकंड इन कमान है। फिर जब वो सभी बाहर आ जाते हैं तब आगिल उसे पूछता है कि वो हमेशा उसके साथ ही क्यों आर्ग्यू करता है। तो तब वो कहता है कि वो खुश है कि उसने उसकी बात मान के एक गिल ज्वाइन किया लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे इतने बड़े गिल्ड में इतना हायर रैंक का पोस्ट मिल जाएगी। उसके बाद जब किरीतो पैर के नीचे थोड़ा आराम करने लगता है तभी वह असुना आके पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। बाकी सभी लोग डंजन्स को क्लियर करने के लिए बहुत ही मेहनत कर रहा है और वो यहाँ आराम कर रहा है। तो वो कहता है कि ये सीजन इस गेम में बहुत ही अच्छी है तो वो उसे ऐसे ही वेस्ट नहीं कर सकता। फिर जब थोड़ा हवा चलने लगता है तब वो कहता है कि देखा वेदर कितना अच्छा है, ये कह के वो सो जाता है। तो जब किरीतो जागता है तब वो अपने पास असुना को सोते हुए पाता है। फिर वो शाम तक उसकी वेट करता है और जब वो जागती है तब वो किरीतो उससे चुप जाता है। फिर वो कहती है कि वो उसे एक मील खिलाएगी। फिर जब वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं तब सारे लोग उन्हीं को देख रहे होते हैं क्योंकि असुना बहुत ही फेमस होती है। जिसके बाद दोनों गेम की डुअल के बारे में बात करने लगते हैं क्योंकि वहाँ वो लोग किसी प्लेयर को जान से मार सकते हैं जो बस एक दूसरे की स्किल को कंपेयर करने के लिए बनाया गया था लेकिन वहाँ प्लेयर सेफ जोन में होने के बाद भी मारे जा सकते हैं। उसके बाद असुना उसे अच्छे नींद के लिए शुक्रिया कहती है तो वो कहता है कोई बात नहीं। ये कहते ही वहाँ कुछ चिल्लाती है तो वो दोनों बाहर जाके देखते हैं जहाँ एक प्लेयर रस्सी से लटका हुआ होता है और उसके अंदर एक तलवार खुचा हुआ होता है। उसे देख के असुना उसकी रस्सी को खोलने जाती है और किरीतो उसके पास जाके स्वॉर्ड को निकालने कहता है लेकिन उसके पास पहुंचने से पहले ही वो मारा जाता है। तभी किरीतो सोचता है कि सेफ जोन में सिर्फ तभी कोई मर सकता है जब वो दू कर रहे हो। तो वो सभी को विनर आइकन को देखने कहता है और यहाँ असुना को भी कुछ भी नहीं मिलती और यहाँ कोई भी विनर आइकन नहीं होता। फिर वो दोनों इसके बारे में डिस्कस करने लगते हैं जहाँ असुना कहती है कि ये दुओ ही होगा। तो वो दोनों मिलके इसे सॉल्व करने के बारे में कहते हैं। फिर वो दोनों नीचे आके सभी से पूछते हैं कि क्या किसी ने यहाँ पुशअप होने से पहले कुछ देखा था। तभी वहाँ एक लड़की आती है और कहती है कि उसका नाम है वोल्को और असल में वो उससे पहचानती थी क्योंकि वो दोनों एक गिल्ड में थे। वो दोनों आज यहाँ मिलने वाले थे लेकिन वो दोनों अचानक अलग अलग हो गए और जब उसने उसे ढूंढने की कोशिश की तब उसे वहाँ वो लटका हुआ मिला। ये कह के वो रोने लगती है तो असुना पूछती है कि क्या वहाँ उसने कुछ देखी थी। तो वो कहती है हाँ शायद उसने वहाँ कुछ देखी थी लेकिन उसने उसे अच्छे से नहीं देखी। फिर वो दोनों उसे घर छोड़ के आने लगते हैं और इस मिस्ट्री के बारे में बात करने लगते हैं जहाँ किरीतो उससे पूछता है कि क्या वो किसी को जानती है जिसे एप्रिसियल की स्किल आती हो। तब वो कहती है हाँ उसका एक दोस्त है लेकिन आजकल वो बहुत ही बिजी है तो वो उनकी मदद नहीं कर पाएगी। फिर किरीतो कहता है कि वो एक को जानता है। ये कह के वो दोनों
वहाँ चले जाते हैं जहाँ आगिल होता है, और आगिल असुरा को उसके साथ देख के उसे पूछने लगता है कि वो तो एक सोलो प्लेयर है तो वो उसके साथ क्या कर रहा है। फिर वो उसे सब कुछ बता देता है और सभी टेबल में बैठ के उस स्वॉर्ड के बारे में बात करने लगते हैं। तो आगिल उसे देख के बताता है कि इसे एक ग्रिमलॉक नाम का प्लेयर बनाया है लेकिन वो कोई ब्लैक स्मिथ नहीं है। तो किरीटो पूछता है कि क्या वहाँ कुछ आइटम का नाम लिखा हुआ है, तो वो कहता है हाँ यहाँ पे गिल्थियन लिखा हुआ है। तो उसे लेके किरीटो अपने हाथ में वार करने निकलता है लेकिन असुना उसे रोक लेती और आगिल को पकड़ने दे के उसे सुनाने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों जाके वोल्को से ग्रिमलॉक के बारे में पूछता है जिसे सुन के वो डरने लगती है। फिर वो कहती है कि हाँ वो उसे जानती है और असल में कुछ महीने पहले वो उसके साथ ही गिल्ड में थी। फिर वो उसे बताता है कि उस स्वॉर्ड को असल में ग्रिमलॉक ने ही बनाया है, ये सुन के वो शौक हो जाती है। फिर वो कहती है कि अब वो उन्हें वो बताएगी जो उससे पहले ही बता देनी चाहिए थी कि उनकी गिल्ड असल में कैसे टूटी थी। एक दिन उनकी गिल्ड ने एक बॉस को हराया था जिसने एक काफी रेयर आइटम ड्रॉप किया। कुछ लोग उसे रखना चाहते थे लेकिन कुछ उसे बेचने चाहते थे, तो इसीलिए उन्होंने वोट किया जहां डिसाइड हुआ कि वो लोग इसे बेचेंगे। तो उनकी लीडर उसे बेचने के लिए चली गई थी जहां वो एक दिन रहने वाली थी, लेकिन एक दिन दो दिन बीतते गए बट वो वापस नहीं आई, जिसके बाद उन्हें खबर मिली कि वो मारी गई है। लेकिन वो इतना रेयर आइटम लेके सेफ जोन से बाहर नहीं जाएगी, तो इसका मतलब ये उनकी ही गिल्ड की किसी मेंबर का काम है। तो वो कहता है कि अब उन्हें ये पता लगाना पड़ेगा कि उनकी गिल्ड में कौन कौन उसे बेचना नहीं चाहते थे। लेकिन पहले किरीटो उसे ग्रिमलॉक के बारे में बताने देता है, तो वो कहती है कि असल में वो उनकी लीडर की हस्बैंड था, रियल में नहीं बट गेम में। जी हाँ, गेम के अंदर ये सब भी होता है। उनकी लीडर एक काफी स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट लड़की थी और ग्रिमलॉक एक काफी अच्छा बंदा था, और अगर ग्रिमलॉक ने उसे मारा है तो वो बाकी मेंबर्स को भी मारने जाएगा, और वो मारने वाला उस रिंग को गिल्ड में रखना चाहता था और दूसरा वो है जो उसे रखना चाहती थी, और तीसरा पर्सन एक टैंक है जो अब होली अलायंस गिल्ड का एक मेंबर है जिसका नाम है स्मिथ, और असुना उसे जानती है क्योंकि वो उनकी डिफेंस यूनिट का लीडर है। ये सुनते ही वो उसे मिलने के बारे में कहती है क्योंकि उसे उसके दोस्त के बारे में पता नहीं होगा। जब वो दोनों आने लगते हैं तब किरीटो कहने लगता है कि शायद किसी ने किसी बग का फायदा उठा के ये काम की है, लेकिन ये गेम ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो किसी को सेफ जोन में मारने देगा। फिर अगले दिन जब वोल्को उस टैंक को अपने दोस्त के बारे में बताती है तब वो बहुत ही परेशान हो जाता है और कहने लगता है कि क्या ग्रिमलॉक उन्हें मारने आएगा क्योंकि वो लोग उसे बेचना नहीं चाहते थे। तब वोल्को कहती है हाँ शायद, और ये भी हो सकती है कि उनकी लीडर ही वापस भूत बन के आई हो, क्योंकि कोई भी प्लेयर सेफ जोन में किसी को मार नहीं सकता लेकिन एक भूत ये कर सकती है। ये सुन के सभी हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद वो बहुत ही डर के कहने लगती है कि इसमें सबकी की गलती है, उन्हें उसकी बात माननी चाहिए थी। ये कह के वो खिड़की के पास जाके कहती है कि ग्रिमलॉक अकेला था जिसने कहा था कि ये डिसीजन लीडर के ऊपर छोड़ दो, और वो अकेला है जो उसे मानता है। ये सब सुन के स्मिथ बहुत ही डरने लगता है, लेकिन तभी अचानक वोल्को पे कोई हमला कर देता है। जब वो पीछे मुड़ती है तब उसके पीछे एक छुरी होती है, जिसके बाद वो वहां से नीचे गिर के वही मारी जाती है। उसके मरते ही वहां किरीटो किसी को देख के उसके पीछे निकल जाता है, लेकिन उस तक पहुंचने से पहले ही वो टेलीपोर्ट हो जाता है। जब वो वापस आता है तब असुना उसे बहुत ही गुस्सा होती है और पूछती है कि क्या हुआ। तब वो कहता है कि वो भाग गया, लेकिन वहां स्मिथ उसकी खुद को देख के समझ जाता है कि वो असल में उनकी लीडर ग्रिजिल्डा की थी और वो उसका घोष था। ये सुन के वो पागल की तरह हंसने लगता है, लेकिन किरीटो मानता है कि वो कोई भूत नहीं है। फिर रात को वो दोनों पार्क में जाके उसी के बारे में बात करने लगते हैं, तभी वहाँ असुना उसके लिए खाने के लिए कुछ ले आती है और उसे जल्दी खाने देती है क्योंकि उसका टाइम खत्म होने ही वाली है। तो वो जल्दी से खाने लगता है और खाते ही कहता है कि ये तो काफी टेस्टी है। फिर वो दोनों ऐसे ही बातें करने लगते हैं जहां उसे पता चलता है कि असुना ने इसे बनाई है क्योंकि वो कुकिंग भी कर सकती है। जब वो उसे कहता है कि वो अपने काम छोड़ के ये भी कर सकती है तब वो गुस्सा हो जाती है और उसके हाथ से खाने को गिरा देता है, जहां वो गायब हो जाता है। तो वो नीचे आ जाता है, तब असुना पूछती है क्या हुआ। तो तब वो कहता है कि उन्हें लगा था कि उन्होंने कुछ देखा है लेकिन असल में उन लोगों ने कुछ भी नहीं देखा। ये सुनकर वो कुछ भी समझ नहीं पाती, तो वो कहता है कि तुम किसी को भी सेफ जोन में नहीं मार सकते। इसी दौरान यहाँ स्मिथ उनके लीडर की ग्रेव में आके उससे माफी मांगने लगता है कि उसे पता नहीं था कि ऐसा हो सकता है। तभी वहाँ एक आवाज आती है जिसे सुन के बंदा और भी डर जाता है। तभी अचानक उसके पीछे एक रैबिट आता है जिसे वो मुड़के देखता है, लेकिन तभी उसके आगे एक घोस्ट आ जाती है और पूछती है कि उसने उसके साथ
साथ क्या किया, तब वो डर के मारे कहने लगता है कि उसे क्रिस्टल के साथ एक इंस्ट्रक्शन मिला था। तभी और एक खोसा के पूछता है कि उसके बाद उसने क्या किया, तो वो कहता है कि उसने बस उस क्रिस्टल को लेके उनके लीडर के रूम में जाके रख दिया था जहाँ वो उस दिन रहने वाली थी, और वो उसका पार्ट बनना नहीं चाहता था। उस देर बाद वो दोनों अपने हुड खोल देता है और यहाँ असल में क्लिंट और वोल्को होती है जो कहते हैं कि उन्होंने उसकी बातों को रिकॉर्ड कर ली है। फिर यहाँ ये सब बातें किरीटो गेस करने लगता है कि उस टाइम में असल में केंट की सूट डिस्ट्रॉय हुआ था वो नहीं, और जैसे ही वो डिस्ट्रॉय हुआ उसी टाइम वो वहां से टेलीपोर्ट हो गया, और वोल्को ने भी सेम ट्रिक की है जहां वो नाइफ उसके अंदर पहले से ही थी जो उसने उन्हें नहीं दिखाई थी। लेकिन जब उसके आर्मर की एचपी 0 हो गई तब वो मरने की एक्टिंग करके वहां से गिर के डिस्ट्रॉय होने के टाइम ही टेलीपोर्ट हो गई, और उस हूत में असल में केन ही था, और शायद उन दोनों ने स्मिथ को टारगेट करके ये प्लान बनाया था। तभी वो पूछता है कि वोल्को उसकी फ्रेंड लिस्ट में है, तो वो उसे उसकी लोकेशन देखने देता है, तो वो देख के कहती है कि वो फ्लोर 19 शहर से थोड़े दूर में है। तब वो समझ जाता है कि उन्होंने अपने प्लान को अंजाम दे दी है, तो उन्हें ही ये सब हैंडल करने के बारे में कहता है, और यहाँ ये सब सुन के वो समझ जाता है कि यहाँ क्या हो रहा है। तब वो पूछती है कि क्या उसे ये काम करने से थोड़ा भी बुरा नहीं लगा, तो वो कहता है हाँ उसे लगा था। ये कहते ही वहाँ उस पे कुछ सूरी से हमला करके पैरालाइज कर देता है, और तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं जो असल में एक मर्डर गिल्ड से है, तो वो उन्हें मारने के बारे में कहने लगते हैं। और जैसे ही एक स्मिथ को मारने आता है तभी वो कुछ देख के रुक जाता है, और वहाँ असल में एक खोरा आता है जहाँ किरीटो होता है, और आके कहता है कि वहाँ उसके पीछे 30 सोल्जर्स आ रहे हैं, तो क्या वो उससे लड़ना चाहेगा। ये सुन के वो लोग अपने हथियार वापस रख देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। फिर वो उन दोनों से पूछता है कि क्या उन्होंने ही ग्रिमलॉक को पोस्ट पियर और नाइफ बनाने कहा था, तब वो कहते हैं हाँ, लेकिन वो उनके प्लान के लिए नहीं माना था, वो बस ग्रिजिल्डा को रेस्ट करने देना चाहता था। उसने उनके हथियार जरूर बनाया, लेकिन तब जब उन्होंने उसे खुद ने देख के रिक्वेस्ट की थी। फिर हम उस टाइम को देखते हैं जब वो दोनों उनके बारे में बात कर रहे थे और शादी के बारे में भी बात कर रहे थे कि कैसे जब दो लोग शादी कर लेते हैं तब उन्हें एक दूसरे की आइटम स्टोरेज को शेयर करना पड़ता है, जो आसुना को बहुत ही रोमांटिक लगती है। फिर किरीटो पूछता है कि क्या ये उसे प्रैक्टिकल लगता है, तब वो कहती है हाँ, क्योंकि उन्हें शेयर स्टोरीज जो मिलता है। ये सुनते ही किरीटो कुछ नोटिस करता है और पूछता है कि क्या होगा अगर दूसरा पार्टनर मारा जाए, तो असुना थोड़ी सोच के कहती है कि सारे आइटम दूसरे के स्टोरेज में चला जाएगा, तो इसका मतलब वो रेयर आइटम अभी ग्रिमलॉक के पास है, उस किलर के पास नहीं। जिसके बाद यहाँ किरीटो उन दोनों को ये बात बता देता है कि ग्रिमलॉक ने ही प्लान करके उनके लीडर को मारा था, लेकिन वो मर्डर शायद स्मिथ की मदद से हुआ था और उसने उनके प्लान को अंजाम दिया, और यहाँ वो सारे लोग मारे जाते क्योंकि ग्रिमलॉक ने ही उस मर्डर गिल्ड को उनको मारने के लिए हायर किया था, और शायद उसने ये सेम चीज ग्रिजिल्डा के साथ भी किया। और तभी वह आसुना ग्रिमलॉक को लेके आ जाती है और उसे देख के वोल्को से पूछने लगती है कि उसने उसे क्यों मारा, क्या उसे पैसे चाहिए थे। तो वो हंस के कहने लगता है कि उसे पैसे नहीं चाहिए थे, उसे उसको तभी मारना था जब तक वो उसकी वाइफ रहती, क्योंकि वो दोनों रियल लाइफ में भी कपल है, वो बिल्कुल परफेक्ट थी और उन दोनों ने कभी भी लड़ाई नहीं की थी। लेकिन यहाँ आके सब कुछ बदल गया, यहाँ वो इस गेम से बहुत ही डरता रहा, लेकिन ग्रिजिल्डा अलग थी, उसे इस गेम में मजा आने लगी और वो हमेशा एक्साइटेड रहती थी जितना वो रियल वर्ल्ड में भी नहीं थी। तभी से उसे फील होने लगा कि वो अपनी वाइफ को खोने लगा है जिससे वो प्यार करता था, और तब उसे उसको मारने का आइडिया आया क्योंकि ये गेम ऐसे ही काम करता है और ऐसे वो उसकी मेमोरी के साथ जिंदा रह सकता है। ये सुन के सभी शौक हो जाते हैं और वो कहता है कि उन्हें ये सब तब समझ आएगा जब उन्हें प्यार होगा। तब ये सुन के आसुना कहती है कि वो उसे प्यार नहीं करता, उसने तब भी अपना प्यार खो दिया जब वो सेल्फिश और पॉजेसिव बना। ये एक बात सुन के बंदा टूट जाता है, तो तब केन उन्हें शुक्रिया कहता है, लेकिन अब ये उनकी प्रॉब्लम है, ये कह के वो सभी उसे अपने साथ लेके चले जाते हैं। फिर सुबह हो जाता है और आसुना पूछती है कि वो क्या करता अगर उसके साथ भी ऐसा ही होता, जहाँ शादी के बाद उसे पता चलता कि उसके पार्टनर के अंदर और भी बातें हैं जो उसे नहीं पता। तब वो कहता है कि शायद वो लकी होता क्योंकि अगर उसे उसकी सारी बातें पसंद है और एक दिन उसे पता चले कि उसके अंदर और भी बातें हैं जिसे देख के उसे और भी प्यार हो जाएगा, तो ये एक अच्छी बात है। ये सुन के वो कहती है अच्छा जवाब है, जिसके बाद वो दोनों वहां से जाने निकलते हैं। पर तभी जाने से पहले किरीटो उसे रोक लेता है, जहां वो मुड़के देखती है कि वहाँ ग्रिजिल्डा की आत्मा उन्हें देख के स्माइल कर रही है। फिर अचानक वो गायब हो जाती है। उसके बाद आसुना उसे फ्रेंड बनने के बारे में पूछती है, जहां वो मना करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे मना ही लेती है और फिर खाने में जाने के लिए बुलाती है।
एक दिन वहाँ जब लिजबेथ नाम का एक लड़की जो एक ब्लैकस्मिथ है अपना काम करने लगती है, तभी उसे मिलने असुना आती है क्योंकि वो उसकी खास दोस्त है। जब वो उसे पूछती है कि क्या वो आज हंट करने नहीं जाने वाली, तब वो जवाब देती है कि उसे आज किसी से मिलने जानी है। और तभी वो उसके इयररिंग्स को देख के समझ जाती है कि शायद वो किसी खास से मिलने जाने वाली है। उसके बाद वो वहां से निकल जाती है और फिर कुछ समय बाद आते हैं। फिर वो दोनों थोड़े दूर आके उसके बारे में बात करने लगते हैं कि वो बहुत स्ट्रांग होगा, लेकिन असुना उसे पूछती है कि वो उसे कुछ छुपा रहा है ना। वो अपनी एक हाथ में स्वॉर्ड रखता है तो वो दूसरे हाथ में शील्ड रख सकता है, लेकिन वो उसे यूज नहीं करता। वो शील्ड यूज नहीं करती क्योंकि वो उसे स्लो करेगी, और कुछ लोग ये स्टाइल की वजह से नहीं करते, लेकिन वो ये क्यों नहीं करता। लेकिन फिर वो कहती है कि कोई बात नहीं, और फिर खाने के लिए कुछ निकाल लेती है। क्योंकि असुना खाना बनाने में बहुत ही अच्छी है तो खाना काफी टेस्टी होता है, तो वो पूछता है कि वो इतना टेस्टी मील कैसे बना सकती है। तो तब वो उसे अपने सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स को दिखाती है, जिसे देख के वो कहता है कि वो तो इसे बना के अपने बिजनेस शुरू कर सकती है। लेकिन तभी वहाँ केंट की पार्टी आ जाता है और आते ही उसे देख के उसे बातें करने आता है। लेकिन तभी वो असुना को देख के बहुत ही शौक हो जाता है, फिर पूछता है कि वो तो एक सोलो प्लेयर है तो वो उसके साथ क्या कर रहा है। उसके बाद वो उसे इंट्रोड्यूस कर देता है, लेकिन फिर भी वो उसे लाइन मारने की कोशिश करता है तो वो उसे मजाक सिखा देता है। फिर उसके पार्टी मेंबर आके उसके साथ बातें करने लगते हैं, लेकिन उसके बाद वहाँ एक आर्मी की पलटन आ जाता है, जहाँ वो लोग देखते हैं कि उनका हालत कुछ खास नहीं है। जब वो लोग वहाँ तक पहुँच जाते हैं तब उनके लीडर उन्हें रेस्ट करने दे के किरीटो के पास आके अपना इंट्रोडक्शन देता है और वो उसे एरिया के बारे में पूछता है। तो वो उसे बॉस के बारे में कह देता है, तो वो उसे उसका मैक मांगता है। तब बाकी लोग कहते हैं कि वो लोग ऐसे ही को मैप नहीं दे सकते, तो वो कहता है कि वो लोग अपने मैप्स को हर एक प्लेयर को फ्री में देता है तो वो लोग ये क्यों नहीं करते। फिर किरीटो कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी वो टाउन में जाके इसे सभी को देने वाला था। ये कह के वो उसे मैप दे देता है, तो वो उसे पाते ही वहां से उसे थैंक्स कह के जाने लगता है। तभी किरीटो कहता है कि अगर वो उसे लड़ने के बारे में सोच रहा है तो वो बता दे कि वो बहुत ही स्ट्रांग है और वो अपनी थके हुए आर्मी के साथ उसके साथ नहीं लड़ सकता। वो उसकी बात नहीं मानता और अपने आर्मी को वापस खड़ा होने दे के बॉस के लिए निकल जाता है। तो किरीटो उस पे नजर रखने के बारे में कहता है, ये कह के सभी जाने लगते हैं। लेकिन जाने से पहले क्लिन असुना को उसका ख्याल रखने कहता है क्योंकि वो जानता है कि वो कितना अलोन है, तो वो कहती है ठीक है। फिर वो सभी कुछ मॉन्स्टर से लड़ने आगे आ जाते हैं, लेकिन तभी वो लोग आवाज सुनते हैं, तो सुनते ही असुना और किरीटो उनके वहां जाता है जहां वो लोग देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उन पे भारी पड़ रहा है। और वो लोग टेलीपोर्ट क्रिस्टल को भी यूज नहीं कर सकते, लेकिन उनका लीडर उस पे हमला करने कहता है। फिर वहां क्लिन भी आ जाता है और उनकी मदद करने के बारे में पूछता है। तभी वहाँ वो मॉन्स्टर सभी पे हमला कर देता है और इसी दौरान उनका लीडर मारा जाता है। और यहाँ जब एक सोल्जर मरने ही वाला होता है कि तभी असुना उसे देख नहीं पाती और उस पे हमला कर देती है, लेकिन वो उस पे वापस वार कर देता है। तो उसे बचाने के लिए किरीटो भी आ जाता है, और तो इसी सांस में क्लिन की टीम बाकियों को बाहर ले जाते हैं और यहाँ किरीटो उसके साथ अकेले लड़ने लगता है। लेकिन बॉस बहुत ही स्ट्रांग है, तो तब वो सोचता है कि अभी उसे वो यूज करना ही पड़ेगा। लेकिन वो आसपास देख के इसके बारे में थोड़ा सोचता है, लेकिन उसके पास कोई भी रास्ता नहीं रहता। तो वो असुना और क्लिन को 10 सेकंड का टाइम देने कहता है, तो वो दोनों उसके लिए टाइम निकालता है। और तभी वो रेडी हो जाता है और दूसरे स्वॉर्ड को निकाल के बॉस पे हमला कर देता है, और उसके साथ नेस्क से किरीटो हार जाता है और उसे उनकी गिल्ड को ज्वाइन करना पड़ता है, जहां वो बुरा फील करता है लेकिन कहता है कि ये उसके लिए एक नया अपॉर्चुनिटी भी होगा। फिर असुना पूछती है कि वो लोगों के बारे में केयर करता है ना। तब वो कहता है हाँ, और फिर अपने उस टीम के बारे में बताता है कि कैसे वो उनके साथ ज्वाइन हुआ था, लेकिन वो सब उससे बहुत ही कम लेवल के थे और एक दिन वो सभी मारे गए थे, जिस वजह से आज वो उनके लिए खुद को दोष देता है। ये सुन के असुना उसके पास जाके उसके मुंह को पकड़ लेती है और कहती है कि वो नहीं मरने वाला, ठीक है, क्योंकि वो उसके साथ है। ये कह के वो उसे गले लगा लेती है। फिर उसे एक सिपाही आके कहता है कि उसे ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ेगा, और यहाँ उनके साथ और एक सिपाही होगा। लेकिन असुना कहती है कि उसे कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, तो वो कहता है कि ये ऊपर से ऑर्डर आए हैं। लेकिन असुना उसके लिए मना करने की कोशिश करती है, बट वो नहीं मानता और वहां से चला जाता है। फिर वो उसे उसके लिए रुकने कह के निकल आता है, जहां जाके वो देखता है कि वो और एक सिपाही असल में वो होता है जो असुना की बॉडीगार्ड था। वो उसके आगे आके उससे माफी मांग लेता है, लेकिन किरीटो को उस पे थोड़ा
विश्वास नहीं होता। फिर वो सिपाही सारे क्रिस्टल को मांग लेता है और जाने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। थोड़े आगे जाने के बाद वो उन्हें ब्रेक लेने के बारे में कहता है। वो उन्हें खाने को खाते देख वो बॉडीगार्ड हंसने लगता है, तो वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और उसे खाते ही वो दोनों गिर जाते हैं, तो वो समझ जाता है कि उसने उन्हें पॉइजन की है। जब किरीटो अपने क्रिस्टल को मांगता है तब वो आके उसके हाथ से उसे दूर कर देता है और हंस के कहने लगता है कि वो कितना बेवकूफ है। इसके बाद वो अपने स्वॉर्ड को निकाल के उस पे हमला करने लगता है, जहां वो अपना प्लान बताता है कि वो सभी को कहेगा कि जब वो लोग यहाँ आने निकले थे तब उन्हें किसी गैंग ने हमला कर दी, जहां वो दोनों मारे गए और वो उन्हें बहुत ही बहादुरी से मार के बच के वापस आ गया। ये कह के वो उसे जान से मार देता है, जिसके बाद वो किरीटो के पास आके कहता है कि उसके लिए उसे उस बंदे को मारना पड़ा। तो किरीटो कहता है कि वो उनकी गिल्ट में क्या कर रहा है, उसे तो उन गैंग में होना चाहिए जो लोगों को मारते हैं। तब वो अपने हाथ से ग्लोव को निकाल के दिखा देता है कि वो सच में उन्हें ज्वाइन कर चुका है, जिसके बाद वो आके किरीटो पर हमला कर देता है और वो पॉइजन किरीटो से नहीं उतरता और उसका एचपी बहुत ही जल्द खत्म होने लगता है और वो सोचने लगता है कि क्या ये उसका आखिरी टाइम है। तभी वो असुना के बारे में याद करके उसकी स्वॉर्ड को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसका एचपी खत्म होने ही वाला होता है कि तभी कोई चीज बहुत ही फास्ट उनकी तरफ आता है और बॉडीगार्ड को वहां से उड़ा देता है। फिर वो देखता है कि वो तो असुना है और वो आते ही उसे हील कर देती है और कहती है कि वो पहुंच गई। वो उन्हें मैप में देख रही थी, तब अचानक उनका दूसरा सिपाही गायब हो गया था, तो वो समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो उस बंदे के पास जाती है तो वो बहाना देने की कोशिश करता है, बट वो नहीं सुनती और उस पे हमला कर देती है। फिर वो भी उस पे हमला करने की कोशिश करता है, बट वो उसके आगे कुछ भी नहीं होता। तो वो उसे माफी मांग के गिल को छोड़ने के बारे में कहता है, तो तब वो अपने आप को रोक लेती है और इसी सांस में वो उसके हाथ से स्वॉर्ड को हटा के उस पे हमला कर देता है। और तभी किरीटो उसे अपने हाथ से रोक के उसके दूसरे हाथ से उस पे वार करके मार देता है। ये होने के बाद असुना कहती है कि ये उसकी वजह से हुई है, तो वो अब से उसे दूर रहेगी। ये है कि अब उसकी लाइफ उसके लिए बिलोंग करता है, क्या वो उसके साथ रह सकता है। तब वो कहती है ठीक है, वो प्रॉमिस करती है कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगी। आसरात रहने के बारे में पूछता है तो वो मान जाती है, जिसके बाद वो दोनों उसके घर आ जाते हैं और खाना खाने के बाद असुना अपने कपड़े उतार के कहती है कि क्यों ना वो दोनों शुरू करें। तो किरीटो शर्मा जाता है और वो कहती है कि ऐसे मत देखो। फिर वो कहता है कि वो बस आज की रात उसके साथ बिताना चाहता था, उसने इसके बारे में नहीं कहा था। ये सुन के वो चुप हो जाती है, जिसके बाद वो बहुत ही गुस्सा होकर उस पे वार कर देती है। फिर उसे वो करना ही पड़ता है, जिसके बाद रात को असुना उसे कहती है कि क्यों ना वो दोनों कुछ दिन के लिए फ्रंट लाइन को छोड़ दे, क्योंकि वो बहुत ही डरी हुई है। तो किरीटो कहता है ठीक है, और वहाँ 22 फ्लोर में एक छोटा सा गांव है और उसके पास ही एक फॉरेस्ट है, वहाँ वो दोनों एक घर लेंगे और उसके बाद वो दोनों शादी कर लेंगे। ये सुन के असुना बहुत ही खुश हो जाती है और इसके लिए मान जाती है। तो अगले दिन वो दोनों उनके लीडर से छुट्टी मांगने जाते हैं, ये बहाना देके कि उन्हें करंट सिचुएशन को लेके थोड़ा सोचना है। तो लीडर मान जाता है, लेकिन वो कहता है कि वो लोग लड़ाई से ज्यादा दिन दूर नहीं रहने वाले। फिर वो दोनों एक घर खरीद लेते हैं और शादी भी कर लेते हैं और दोनों मजे से वहां रहने लगते हैं। बट तभी किरीटो उसे पूछता है कि क्या उनकी ये रिलेशन सिर्फ इस गेम के अंदर ही रह जाएगी। तब असुना कहती है बिल्कुल नहीं, वो ये बिल्कुल केयर नहीं करती कि ये असली दुनिया है कि नहीं, उसके लिए जो वो फीलिंग्स रखती है वो रियल है। और जब वो सभी असली दुनिया में वापस चले जाएंगे तब वो उसे ढूंढ लेगी और उसे प्रॉमिस करती है कि वो उसके प्यार में फिर से भर जाएगी। फिर जब वो सब करने के बाद जब किरीटो सो जाता है तब असुना उसे देख के सोचने लगती है कि वो कितना क्यूट है, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि क्या वो उससे छोटा है। लेकिन प्यार में उम्र नहीं देखता, तो कोई बात नहीं। फिर वो जाग जाता है तो वो शर्मा जाती है उसे। इसके बाद वो उसे बाहर जाने के बारे में पूछती है, तो तब वो कहता है कि उसे एक जगह पता है। तो वो दोनों वहां घूमने चले जाते हैं, जहां असुना उसे अपनी कंधे में उठाने की कहती है, क्योंकि उसकी जितनी पावर है उसके लिए उसे उठाना कुछ भी नहीं होगा। तब किरीटो कहता है कि वो इसके लिए थोड़ा बड़ा नहीं है। तब वो कहती है कोई बात नहीं, और वैसे भी यहाँ उन्हें कोई भी नहीं दिखने वाला। तो वो मान जाता है और उसे अपनी कंधे में उठा लेता है, जिसके बाद वो दोनों ऐसे ही चलने लगते है। पर थोड़े आगे जाके वो लोग देखते है कि वहाँ कुछ लोग फिशिंग कर रहे है, जो उन्हें देख के हंसने लगते है। तो किरीटो उन्हें देख के बहुत ही शर्मा जाता है और उसे जल्दी से वहां से भाग के फॉरेस्ट के अंदर चला आता है। जब वो
दोनों थोड़े अंदर आ जाते हैं तब किरीतो असुना को ये कह के डराने लगता है कि यह असल में असली के फूत निकलते हैं। जो लोग बुरी तरह से मारे गए थे उनकी आत्माएं यहाँ भटकते हैं। और उसने सुना है कि जब एक दिन एक कारपेंटर ने यहाँ कुछ वो देने आया था तब वो यहाँ कुछ ज्यादा ही रात रह गया था और तभी उसने एक पैर के पास कोई सफेद चीज देखा था। ये सुन के असुना बहुत ही डरने लगती है और तभी वहाँ एक पैर के पीछे वो एक लड़की निकलती हुई देखती है तो वो देख के बहुत ही डर जाती है और उसे नीचे उतारने कहती है। फिर वो उसके पीछे चुपके किरीतो को वहाँ एक छोटी बच्ची को देखने कहती है जिसे देख के वो बहुत ही डरने लगती है। बट तभी वो देखता है कि वो तो बेहोश हो गई है तो वो ये देख के उसके पास चला जाता है जहाँ जाके वो लोग देखते हैं कि वो कोई घोस्ट नहीं है लेकिन वो लोग उसके ऊपर कोई मार्क भी नहीं देखते और क्योंकि वो बेहोश होती है तो वो दोनों उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते तो वो दोनों उसे अपने साथ अपने घर ले आते हैं। दोनों उसके बारे में बात करने लगते हैं कि वो कोई एनपीसी नहीं है, होता तो वो लोग उसे पकड़ने से पहले ही वार्निंग दे दी थी और वो कोई क्वेस्ट गिवर भी नहीं है क्योंकि वो उसे छूते ही क्वेस्ट दे दी थी तो वो शायद कोई प्लेयर ही होगी जो शायद यहाँ बहुत ही दिन से भटक रही है और वो एक बच्ची है तो शायद उसके पेरेंट्स यहाँ होंगे और उसे अभी भी सिग्नल मिल रहा है तो इसका मतलब वो अभी रियल वर्ल्ड में जिंदा है। और किरीतो श्योर होता है कि वो जरूर जागेगी। फिर रात को जब वो दोनों सोने लगते हैं तब असुना उसे बुलाती है बट वो नींद में होता है तो वो उस लड़की के पास जाके सो जाती है क्योंकि शायद वो यहाँ बहुत ही दिन से अकेली होगी। फिर सुबह वो देखती है कि वो जाग चुकी है और उन्हें देख रही है। फिर वो दोनों उसे पूछने लगते हैं कि क्या उसे कुछ पता है कि उसके साथ क्या हुआ। तब वो कुछ भी नहीं कह पाती तो असुना उसके नाम पूछती है तब वो याद करके कहती है कि उसे लगती है कि उसका नाम है यूई। फिर वो दोनों अपने नाम बताते हैं और पूछते हैं कि वो फॉरेस्ट में क्या कर रही थी और उसके पेरेंट्स कहाँ है। तब वो कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। फिर किरीतो उसे अपने नाम कहने देता है बट वो उसके नाम को नहीं कह पाती तो वो उसे जो जहे वो बुलाने कहता है तो तब वो उसे दैदी कहती है और असुना को मम्मी। वेल, क्या वो उनके प्यार से पैदा हुई है? वेल, ये तो हमें बात पता चल जाएगा। फिर वो सभी लंच करने लगते हैं और क्योंकि असुना कुक अच्छी है तो खाना काफी अच्छी होती है जिसके बाद वो सो जाती है और उसके सो जाने के बाद असुना उसके लिए बुरा फील करने लगती है तो तब किरीतो कहता है कि वो उसकी ख्याल रखनी जाती है ना, कोई बात नहीं, वो दोनों जब तक उसकी याददाश्त वापस नहीं आती तब तक ख्याल रखेंगे और वो दोनों उसके पेरेंट्स को ढूंढने के लिए टाउन ऑफ बिगिनिंग में जाएंगे क्योंकि शायद उन्हें वहां कुछ मिल जाए। तो असुना इसके लिए मान जाती है और किरीतो कहता है कि वो भी उसका ख्याल रखना चाहता है क्योंकि ये जरूर अचानक हुआ है बट उसके आने के बाद उन्हें एक फैमिली जैसा फील हो रहा है लेकिन उन्हें उसके पेरेंट्स को ढूंढना ही पड़ेगा क्योंकि शायद वो उसे ढूंढ रहे होंगे। अगले दिन वो दोनों टाउन ऑफ बिगिनिंग में चले जाते हैं जहाँ असुना पूछती है कि क्या उसे ये बिल्डिंग्स याद है। तब वो कहती है नहीं। तो वो दोनों मार्केट में चले जाते हैं जहाँ असुना पूछती है कि यहाँ अभी कितने लोग होंगे। तो किरीतो कहता है करीब 2000 के आसपास रहते होंगे लेकिन वो जगह थोड़ा खाली लगता है। तभी वो दोनों किसी की चिल्लाने की आवाज सुनते हैं तो दोनों वहां जल्दी से चले जाते हैं जहाँ कुछ आर्मी के लोग कुछ बच्चों से टैक्स मांग रहे होते हैं और उन्हें एक लड़की डिफेंड करती है और वो उन्हें उनके पास जितने पैसे है उसे देने कहती है। तब वो बच्चे कहते हैं कि वो लोग कह रहे हैं कि उन्हें और भी चाहिए तो वो सभी उसके भी हथियारों को देने कहते हैं जिसके लिए वो मना करती है और तभी वहाँ असुना और किरीतो आ जाते हैं और उन्हें कहती है कि उन्हें अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तो वहाँ वो लोग कहते हैं कि ये आर्मी का काम है और उनमें से एक आगे आके कहता है कि क्या वो लोग वसूली भाई को नहीं जानते, वो लोग उसके ही आर्मी है और यहाँ रूल्स ऐसे ही काम करते हैं। तो उसे देख के असुना आगे आ जाती है और उसे अच्छे से सबक सिखा देती है। तो वो बाकियों को उस पर हमला करने देता है बट वो सभी उसे के वहां से भाग जाते हैं जिसके बाद यह बच्चे उसके लिए शुक्रिया कहते हैं लेकिन तभी यूवी अचानक कुछ नोटिस करती है और कहती है कि उसके दिल। तब असुना भी उसे देख के पूछती है कि क्या हुआ और वो कहने लगती है कि वो यहाँ नहीं थी, वो हमेशा अकेली थी। तभी अचानक कुछ आवाज आती है और यूवी को कुछ हो जाती है और कहने लगती है कि वो बहुत ही डरी हुई है। ये सब देख के उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। फिर वो सभी एक ऑर्फन में चले जाते हैं जहाँ बहुत सारे बच्चे होते हैं और वहाँ सासी उनका ख्याल रखती है और वो दोनों से बात करने लगते हैं और उसे यूई के बारे में कहता है और उसे पूछता है कि क्या उसने यूई को यहाँ कहीं पहले देखी है। तब वो कहती है जब से वो यहाँ आई है तब से उसने शहर में बहुत सारे बच्चों को ढूंढ के यहाँ लाई है और वो रोज टाउन में किसी बच्चे को देखने जाती है लेकिन उसने आज तक यूई को यहाँ कभी भी नहीं देखी। तभी वहाँ एक लड़की आती है जो आर्मी के साथ होती है तो वो पूछती है कि क्या वो कल के लिए लेने आए हैं। तब वो कहती है कि वो असल में उनसे मदद लेने आई है। फिर वो उन्हें बैठ के उनकी गिल्ड के बारे में कहने लगती है कि जब उनके लीडर ने गिल्ड बनाया था तब वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि ये ऐसा डिक्टेटरशिप बन जाए
वो बस चाहता था कि वो लोग सभी को इन्फॉर्मेशन और खाने को प्रोवाइड करे, लेकिन फिर उनका गिल्ट बहुत ही बड़ा हो गया और तभी एक प्लेयर किबाओ बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन गया जो अब उसकी गिल्ट को कंट्रोल करता है और उसी ने ये सब शुरू किया और उसी ने अपनी आर्मी के बेस्ट प्लेयर्स को फ्रंट लाइन में भेजा था जहाँ वो 74th floor वाला खतना हुआ। तभी उन सभी ने उसे अपने गिल्ट से बाहर निकलने का प्लान बनाया, लेकिन इसकी वजह से वो थिंकर को इलिमिनेट करने का प्लान बना के उसे बहुत ही नीचे एक डंजन में कैद कर दिया जहाँ से वो टेलीपोर्ट भी नहीं हो सकता। तो वो लोग पूछते हैं कि क्या वो अपने साथ हथियार नहीं ले गया। वो कहती है नहीं, उसने अपने साथ कुछ भी नहीं ले गया और वो 3 दिन से वही है और क्योंकि वो सेकेंड इन कमांड है तो ये उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन वो इतनी पावरफुल नहीं है और किबाओ ने अपनी इन्फ्लुएंस को यूज करके दूसरों को भी वहाँ उसे बचाने जाने से रोक रहा है। तो फिर वो खड़ी होके उन्हें उसको बचाने के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि वो उसे ऐसे ही विश्वास नहीं कर सकते। तो वो कहती है हाँ, उसे पता है वो लोग अभी अभी मिले हैं, लेकिन जब वो उसके बारे में सोचती है तब उसका दिमाग काम नहीं करती। तब ह्यूई कहती है कि कोई बात नहीं मम्मी, वो सच कह रही है। तो असुना पूछती है कि क्या वो ये बात कह सकती है। तब वो कहती है हाँ, उसे पता नहीं कि वो कैसे कह सकती है, बट वो ये कह सकती है कि वो सच कह रही है। तो ये सुन के वो दोनों इसके लिए मान जाते हैं और किरीटो उसे जाने के बारे में कहता है तो सभी इसके लिए मान जाते हैं। और जब वो दोनों उसे वही रुकने के बारे में कहता है तब यू उनके साथ जाने के लिए जिद करती है, तो उन्हें मानना ही पड़ता है। फिर वो चारों वहां चले जाते हैं जहां किरीटो कहता है कि ये सब बेटा टेस्ट के दौरान यहां नहीं था। और यूलियर कहती है कि यहां की मॉन्स्टर 17th level से ऊपर है तो वो लोग यहां कुछ भी नहीं कर सकते। जब वो सभी और भी अंदर चले जाते हैं तब उन्हें वहां बहुत सारे मॉन्स्टर मिलते हैं तो जिसे किरीटो अकेले ही संभालता है, जिसके लिए यूलियर उससे माफी मांगती है, बट वो कहती है कि कोई बात नहीं। जिसके बाद वो थिंकर की लोकेशन को देख के है कि वो वहां से मूव नहीं हो रहा तो शायद वो कोई सेफ जोन में होगा। तभी किरीटो आके उसे उन मेंढक की टांग को दिखा के उसे खाने के बारे में कहते हैं तो तब असुना उसे मना करती है और तो वो और भी ले आता है। तो उन्हें ऐसे लड़ते हुए देख यूलियर स्माइल करती है, जिसे देख के यूवी कहती है कि वो स्माइल कर रही है और उसने उसे स्माइल करते हुए कभी भी नहीं देखी थी। तो उसके बाद वो सभी ऐसे ही चलने लगते हैं, तभी वहां उन एक सेफ जोन दिखता है। तो वहां देख के किरीटो कहता है कि वहां एक प्लेयर है, तो यूलियर समझ जाती है कि वो उसकी थिंकर है, तो वो वहाँ जल्दी से जाने लगती है। पर थिंकर उसे आने से मना करता है और तभी किरीटो वहाँ कुछ देखता है और जल्दी से यूलियर को हटा देता है जहाँ एक मॉन्स्टर उस पे हमला कर देता है। तो तभी असुना आके यूलियर को ह्यूई को अपने साथ सेफ जोन में ले जाने कहती है, तो वो उसे लेके चली जाती है और आगे आके देखती है कि वो मॉन्स्टर बहुत ही खतरनाक है। तो किरीटो उसे असुना को टेलीपोर्ट क्रिस्टल को लेके वहां से जाने कहता है क्योंकि उसकी हेल्थ बार को वो नहीं देख पाता तो शायद ये बहुत ही खतरनाक होगा। और किरीटो उसके पीछे आएगा तब असुना उन सभी को वहां से जाने कहती है और किरीटो के साथ लड़ने आ जाती है, लेकिन वो मॉन्स्टर उन दोनों के लिए भी बहुत ही भारी होता है और उन्हें देख के यूवी आगे आ जाती है। जब किरीटो से पूछता है कि वो क्या कर रही है तब वो कहती है कोई बात नहीं। जब वो मॉन्स्टर उस पे हमला करता है तब उसे कुछ भी नहीं होता और वो दोनों देखते है कि वो एक इमॉर्टल ऑब्जेक्ट है, जिसके बाद वो हवा में ही तैर के एक बड़ी सी तलवार अपने हाथ में लेके उस मॉन्स्टर को एक वार करता है और उसी वार में उसे खत्म कर देती है। जिसके बाद वो कहती है कि उसे सब कुछ याद आ गई है फिर वो सभी वही बैठ जाते हैं, जिसके बाद यूई उन दोनों की नाम को पूरा बता पाती है और कहती है कि ये गेम एक बहुत ही बड़ी सिस्टम से बनाई गई है जिसे कार्डिनल कहते हैं, जो किसी भी इंसान की बिना चलने के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ हर एक चीज एक AI प्रोसेसर चलाते हैं और इंसानों की मेंटल हेल्थ को भी कुछ प्रोग्राम एनालाइज करते हैं और वो उनमें से एक है। ये सुन के वो दोनों हैरान हो जाते हैं कि वो असल में एक प्रोग्राम है और वो इसीलिए लोगों की इमोशन को समझ पाती है क्योंकि उसे ऐसे ही डिजाइन की गई है, वो बिल्कुल भी रियल नहीं है। तो वो उसे माफी मांगती है और 2 साल पहले जब ये सब शुरू हुआ था तब वो सभी लोगों को देखती रहती थी लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती थी और धीरे धीरे उसका सिस्टम ओवरलोड होने लगा। लेकिन एक दिन उसे वो दोनों मिला जो किसी और भी प्लेयर से अलग थे, जिस वजह से वो उनके पास पहुंची थी और असल में वो उनसे बहुत दिन से मिलनी चाहती थी। फिर किरीटो कहता है कि वो कोई सिस्टम नहीं है और वो उनके साथ रह सकती है, तो बताओ उसे क्या चाहिए। तब वो कहती है कि वो बस उनके साथ रहने जाती है हमेशा हमेशा के लिए और उन्हें डैड और मॉम कह के बुलाती है। तो तब असुना उसे गले लगा के कहती है कि वो उनके साथ हमेशा रहने वाली है, बट फिर वो कहती है कि ये जगह असल में एक इमरजेंसी काउंसिल है जिसे प्रोग्राम्स को कंट्रोल किया जाता है और उसने इसी की मदद से उस मॉन्स्टर को पूरी तरह से डिलीट कर दी है और क्योंकि उसने ये की है इस वजह से प्रोग्राम अब उसे
फॉरेन ऑब्जेक्ट सोर्स के उसे डिलीट कर देगी। तब वो दोनों कहने लगते हैं कि यहाँ कोई और रास्ता जरूर होगा। तो वो उन्हें गुड बाय कहती है, लेकिन असुना उसे जाने नहीं देती, बट वो धीरे धीरे मिटने लगती है। और जाने से पहले वो उन्हें स्माइल करने कह के चली जाती है। उसके बाद जब वो गायब हो जाती है, तब असुना बहुत ही रोती है। उसे देख के किरीटो बहुत ही गुस्सा होके सिस्टम को ही एक्सेस करने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम उसे उड़ा देता है। लेकिन वो असुना को एक क्रिस्टल देता है, जिसे वो कहता है कि सिस्टम उसे डिलीट करने वाली थी, लेकिन उसने उसको एक गेम ऑब्जेक्ट बना दी है, यानी कि वो उसकी हार्ट है। फिर जब वो दोनों वहां से निकल के आने लगते हैं, तब वो कहता है कि उसे वापस बनाना थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, लेकिन वो उसे वापस लाने के लिए अपनी पूरी मेहनत करेगा। एक दिन जब किरीटो आराम से फिशिंग करने लगता है, तब उसे वहाँ एक भी मछली नहीं मिलता। और तभी उसके पास एक आदमी आ जाता है, जो उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है, और वो फिशिंग में काफी माहिर है। तो वो आते ही एक मछली पकड़ लेता है, बट वो कहता है कि वो उन्हें पकड़ तो सकता है, लेकिन वो उन्हें पका के नहीं खा सकता, क्योंकि उसके पास वो इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो उसे पकाने के लिए चाहिए। तब किरीटो कहता है कि वो उससे इसके लिए मदद कर सकता है। तो ये बात सुन के वो हैरान हो जाता है। तो उसके बाद वो उसे अपने घर ले आके मछली को पका के खिलाता है, तो वो बहुत ही खुश हो जाता है। और फिर वो फिशिंग के बारे में बात करने लगता है, जहाँ वो कहता है कि वहाँ एक किंग फिश है, जिसे वो हमेशा से पकड़ना चाहता था, लेकिन उसे वो आज तक नहीं मिला। तो वो उन्हें कल के बारे में पूछता है कि क्या वो लोग कल फ्री है। उसके बाद वो दोनों रात में उसी बात के बारे में बात करने लगते है कि कैसे वो लोग वहाँ एक नॉर्मल लाइफ जी रहे है, और फिर करके सो जाते हैं। अगले दिन वहाँ बहुत सारे लोग उन्हें देखने आ जाते हैं, और ओल्ड मैन उसे पकड़ने के लिए रेडी हो जाता है और उसके लिए चारा डाल देता है। और फिर मछली जाल में फंस जाती है, और वो किरीटो को स्विच करने दे के उसे फिशिंग रॉड दे देता है। तो वो बड़ी ही मुश्किल से उसे खींचने लगता है, जिसे देखने सभी आगे आ जाते हैं। लेकिन तभी वो लोग कुछ नोटिस करते हैं और सभी वहां से भाग जाते हैं, लेकिन किरीटो को कुछ भी समझ नहीं आता। और तभी वो मछली निकल आती है, जो जमीन में भी चल सकता है। तो किरीटो उसे देखते ही असुना के पीछे आ जाता है, और जब वो मछली उसकी तरफ आने लगता है, तब असुना आगे जाके उसे एक ही वार में खत्म कर देती है, जिसे देख के सभी हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी उन दोनों को हीथक्लिफ से मैसेज आती है, तो वो दोनों वहां जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। और जाते वक्त वो ओल्ड मैन को भी बाय कह के चले जाते हैं, और आते ही उन्हें बॉस से लड़ने के बारे में कहते हैं, जहां उन्हें एक डंजन मिला है, जिसके अंदर कुछ सिपाही गए थे जो लोग फंस गए थे। लेकिन फिर 5 मिनट बाद दरवाजा खुला, तब वहां कुछ भी नहीं था। तो अब वो लोग वहां लड़ने जाएंगे। फिर जब वो दोनों वही रह जाते, तब किरीटो थोड़ा सैड होता है। तो असुना उसे पूछते है कि क्या हुआ। तो वो कहता है कि वो चाहता है कि वो यही रहे, क्योंकि वो डरता है कि कहीं वो उसे ना खो दे। तब असुना कहती है कि क्या उसे पता है कि अगर वो वहां से नहीं आया तो क्या होगा। वो खुद को ही मार देगी, क्योंकि वो इस थॉट के साथ नहीं रह पाएगी कि वो वहां उसे बचाने नहीं जा पाई। तो ये सुन के वो उसे पकड़ के कहता है कि उसे पता नहीं कि वो उसे रियल वर्ल्ड में ले जा पाएगा कि नहीं, लेकिन वो यही उसके साथ रहना चाहता है अपने छोटी सी घर में। तब वो कहती है हाँ ये अच्छा होगा, लेकिन क्या उसे पता है कि उनकी असली बॉडी अभी रियल दुनिया में कहाँ है। और गेम स्टार्ट होने के कुछ दिन बाद ही कुछ प्लेयर्स अचानक ऑफलाइन हो गए थे, शायद उसी टाइम में उन सभी को हॉस्पिटल में ले गए थे। तो अभी वो लोग हॉस्पिटल में होंगे, और वो लोग अभी दवाई के थ्रू जी रहे हैं, यानी कि वो वहाँ हमेशा के लिए नहीं रह सकते। तो तब वो रोके कहने लगती है कि वो उसके साथ रियल वर्ल्ड में जाके हमेशा के लिए रहनी चाहती है। तब किरीटो कहता है कोई बात नहीं, वो लोग फाइट करेंगे। फिर वो सभी लड़ाई करने चले जाते हैं, जहाँ जाके वो दोनों आगेल और क्लिन से मिलते हैं, जो उनके साथ लड़ने जाने वाले हैं। तभी वहाँ हीथक्लिफ आके एक पोर्टल खोल देता है और सभी को अंदर आने कहता है। अंदर जाके असुना महसूस करती है कि यहाँ कुछ तो बहुत ही बुरा है, और लड़ने जाने से पहले हीथक्लिफ सबको मोटिवेट करने लगता है, लेकिन वहाँ किरीटो डरा हुआ होता है। तभी असुना आके कहती है कि कोई बात नहीं, और याद रखना उसे उसको प्रोटेक्ट करना है। तो वो कहता है ठीक है, जिसके बाद वो सभी अंदर चले जाते हैं, लेकिन अंदर उन्हें कुछ भी नहीं दिखता। बट कुछ देर बाद असुना नोटिस करती है कि वो ऊपर है, और वो मॉन्स्टर दिखने में बहुत ही खतरनाक होता है। और जैसे ही वो नीचे आके उन पे वार कर देता है, तब एक ही वार में कुछ सिपाही खत्म हो जाते हैं। फिर जब वो दोबारा अटैक करता है, तब हीथक्लिफ आके उसे रोक लेता है। फिर जब वो अटैक करने लगता है, तब किरीटो भी उसे रोक लेता है, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही पावरफुल होता है। और जब वो दोबारा इस पर अटैक करता है, तब असुना उसे बचा लेती है और उसे कहती है कि वो उसे लड़ सकता है। फिर वो सभी मिलके उसे लड़ने लगते है, लेकिन वो लोग उसे ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाते। बट असुना किरीटो को उसे लड़ने कहती है, और सभी मिलके उसे लड़ने लगते हैं। और क्योंकि मॉन्स्टर बहुत ही पावरफुल होता है, तो वो लोग उसे लड़ने के लिए अपनी पूरी जान लगा देते हैं।
देते हैं। ऐसे ही लड़ते लड़ते वो सभी उसकी एचपी को खत्म कर देते हैं और जब वो मरने की हालत में होता है तब हीथक्लिफ सबको हमला करने देता है, तो इसी सांस में सभी मिलके उसे खत्म कर देते हैं और उससे लड़के वो सभी बहुत थक जाते हैं। फिर किरीटो कहता है कि उनके वहां 14 लोग मारे गए हैं और अभी 24 फ्लोर ऊपर जाना है। तभी किरीटो हीथक्लिफ को देख के कुछ नोटिस करता है और अपनी स्वॉर्ड लेके उसकी तरफ हमला कर देता है, जहां एक साइन निकलता है। और जब असुना उसके पास जाती है तब वो देखती है कि वो एक इमॉर्टल ऑब्जेक्ट है। तो वो पूछती है कि ये क्या है, तब किरीटो कहता है कि शायद उसे पता है और उसकी एचपी येलो में इसलिए नहीं जाता है क्योंकि सिस्टम उसे बचाता है और पहले दिन से ही उसे ये थोड़ा अजीब लग रहा था। वो हमेशा सोचता था कि वो कहां से छुप के उसकी दुनिया को कंट्रोल कर रहा होगा और आंसर बहुत ही बेसिक है ना, अकाई तो कायाबा। ये सुन के सभी हैरान हो जाते हैं। तब वो पूछता है कि क्या वो उसे बता सकता है कि उसे ये कैसे पता चला। तब वो कहता है कि वो वापस जिंदा होके उससे कहता है कि अभी नहीं, ये कह के वो हीथक्लिफ को मार देता है। और तब वो असुना की स्वॉर्ड को देख के कहता है कि उन्होंने ये कर दी है ना। तभी सारे लोग चारों तरफ कुछ देखते हैं और अनाउंस किया जाता है कि गेम को क्लियर किया गया है, जिसके बाद किरीटो आसमान में पहुंच जाता है। और जब वो मेन मेन्यू में चेक करने लगता है तभी उसे पीछे से असुना की आवाज आती है और वो उसके पीछे होती है। तो वो उसे माफी मांगता है और वो उसे गले लगा के किस कर देती है। फिर वो पूछती है कि वो लोग कहाँ है और वो लोग देखते हैं कि वही नीचे वो गेम की दुनिया दूध रहा है। उसके बाद वहाँ अकाही तो आ जाता है तो उन्हें कहता है कि गेम की मेन मेन्यू जहाँ है वो गेम को डिलीट कर रहा है और 10 मिनट के बाद सभी डिलीट हो जाएंगे। तो असुना पूछती है कि प्लेयर्स का क्या होगा, तो वो कहता है कि वो 6000 प्लेयर्स जो सर्वाइव की है वो लोग वापस चले जाएंगे। लेकिन किरीटो पूछता है कि उनका क्या होगा जो लोग मारे गए हैं, तो तब वो कहता है कि वो लोग वापस नहीं जाने वाले। तो वो पूछता है कि उसने ये क्यों किया, तो वो जवाब देता है कि इस बात को इतना दिन हो गया है तो वो अपने असली मकसद को भूल गया। जिसके बाद वो कहता है कि उसने अपनी लाइफ दे के इसे बनाया है और यहाँ वो एक अपनी दुनिया बनाना चाहता था और एक दिन वो इस दुनिया में आना चाहता था। वेल, इतना उसे याद है और वो ये इमेजिन करता है कि उसकी ये दुनिया अभी भी कहीं होगा। जिसके बाद वो ने गेम को क्लियर करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करके वहां से चला जाता है और वो गेम पूरी तरह से टूट जाता है और अब वहां वो दोनों ही रह जाते हैं। तो किरीटो कहता है कि ये शायद गुड बाय है ना। तब असुना कहती है नहीं, वो रियल वर्ल्ड में जरूर उसे मिलेगी और उसे उसका असली नाम पूछती है। तब वो कहता है उसका असली नाम है कासुतो किरागाया और वो अभी 16 साल का हो गया है। फिर असुना अपने पूरा नाम बताती है, असुना युकी, और वो अभी 17 साल की होगी। ये सुन के किरीटो को रोना आ जाता है और उसे माफी मांगने लगता है। तब असुना कहती है कोई बात नहीं, वो खुश है कि उसे उसके साथ रहने का मौका मिला। ये कहते ही वो उसे गले लगा लेती है, जिसके बाद ये दुनिया पूरी तरह से डिलीट हो जाता है। और किरीटो असली दुनिया में जागते ही खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है, जहां जागते ही वो असुना के बारे में याद करता है और रोने लगता है। और फिर वो इसी हालत में असुना को ढूंढने चला जाता है क्योंकि उसे विश्वास है कि वो यहाँ कहीं जरूर होगी। और यहीं पे ये वीडियो खत्म। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो और ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हो तो स्क्रीन में आए इस वीडियो को क्लिक करो।